ये मेरे लिए गिफ्ट है। सो प्रिटी, वेरी नाइस। ईद पे आलू बैंगन खाओ। गोश्त लेके आई है, अब हम बनाएंगे और खाएंगे। क्या लेके आई है? कढ़ाई जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? देखें यहाँ पर मीट आपको नजर आ रहा है, मैरिनेट करने लगी हूँ। कल सबने आना है तो इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ रेसिपीज जो है शेयर करते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं चिकन रोस्ट किस तरह से मैरिनेट करूँ। ये जी चिकन मैरिनेट होने लगी है। ये 6 के साथ चिकन लेग्स है, इतनी थी मेरे पास और हम इसको इतना ही मैरिनेट करें। जिंजर गार्लिक इसमें सूटेंगे। अब देखो चमची दा की हशर कीता है, अब देखो जरा बेचारी दा। डालेंगे दही, मक्खी कितों आ गई है। दही बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना सा हमने नैंडोस का मसाला हम इसमें डालेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया नैंडोस का मसाला, इसमें डाल दिया हमने। अब इसमें चिकन में हमने निचोड़ना है लेमन और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करके इसको रख देना है फ्रिज में ओवरनाइट। तो ए मैं काले दा बनानी है लैम कढ़ाई, इसको भी मैंने इस तरह से फ्रिज में रख दिया। गोश्त को मैं कहता कहते ए बोनलेस चिकन सी, यदि मैं बटर चिकन बनानी सी। बटर चिकन में मैंने बस लहसुन अदरक और तिक्का मसाला डाल के दही डाल के मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट डे फिर तुम वेखते पियो, मैं एयर फ्रायर में इसको डाल रही हूँ और एयर फ्रायर में मैंने इसका चिकन टिक्का बना लेना ज़बरदस्त सा। तो एयर फ्रायर मैंने रख के मैं क्या इधर मैं आके फटाफट अपना जो लैम की बनानी है कढ़ाई जो भी बनाना मैं वो बस प्याज ब्राउन करके जिंजर गार्लिक ब्राउन करके इन्ना भी नहीं ब्राउन करना, बस हल्का जहा, और गोश्त को अच्छी तरह डाल के भून लें। नमक मिर्च हल्दी सुखा धनिया जीरा खड़े मसाले टमाटर सब डाल के हमने प्रेशर लगा दिया। इन्नी देर साड़ी चिकन जड़ी वह भी बड़ा सोहना चिकन टिक्का हो गया तैयार। इसको भी मैंने साइड पे किया। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी फिश। फिश में हमने लहसुन अदरक और फ्राइड ऑनियन और टमाटो प्योरी जो हमने की हुई थी वो डाल के नमक मिर्च हल्दी सुखा धनिया और अजवाइन तली पे इस तरह से आपने उसको रगड़ के तो आपने हांडी में सूट देना है। बस इस तरह से इसमें हमने नमक डालना है। यह बन रहा है जी, और दही 2 चमचे दही पा के तुसी बना लो। तो ये यहाँ पे फिश जो है कॉड फिश आजडा से ली थी, तो ये वो बन रही है। ईद का मेन्यू थोड़ा जहा वेजिटेरियन भी है, मिक्स है, बस जो सब ने खाना था वही बनाया है। पाकिस्तान चीज जड़ा ना पता है खाण पीन का, इतने को नहीं जो पता कि खाना किसी ने वही चीज़ा खाई जाते। तो जी यहाँ पे चिकन भी बन गई और फिश भी बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन मैं इनको प्रॉपरली असेंबल उस वक्त करूँगी जब सब आ जाएंगे, क्योंकि पहला ही सारा कुछ तैयार करके रख देव ना उस वेले फिर खाना वो सही नहीं रहता। उस वेले थोड़ा जब भुन के धनिया पा पो के रखांगी। यहाँ पे मेरी बेटी डिश वॉशर खाली कर रही थी, सारे भांडे भुंडे उन्हें कढ़े सन बाहर, कहती लो मामा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। बस काम भी इन्ना को जाता है कि बस मैं कहनी बंदा दुखी हो जाता है, ईद भी की मनानी है। बस हमारे बाहर गार्डन का काम हो रहा है, शीशा साड़ा टुटा सी अज भी ला के गए ने नवा, तो बस जी यही कुछ चलता पाया जी ईद वाले दिन। यहाँ पर जी बटर चिकन की तैयारी होने लगी। ऑयल हमने डाला पैन में, उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक डाला और ये मैंने पहले से मसाला बना के रखा हुआ है, नमक मिर्च हल्दी सूखी मेथी सूखा धनिया वो पा के टमाटर असी फ्राइड अनियन नाल ग्राइंड किए ने वो भी ये असी पा दिते। ऊपर मैंने अपना मसाला डाल दिया जो मेरा था इसका बटर चिकन का। ये रेसिपी मेरी पिछली 2 या 3 वीडियो में आपको मिल जाएगी प्रॉपर डिटेल से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। डिटेल से बताया हुआ है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, तो मैं फटाफट बना दी पैसा ना, बस कुछ ना पूछो। और ये है डबल क्रीम, डबल क्रीम भी इन्नी क्या दी गाड़ी क्यों इंज लगे जो मैं आइसक्रीम ही हांडी च पाती पी। पहला ना मैं इन्होंने बड़े लंबे तरीके बटर चिकन बना के देना, हूँ ना मैं इन्होंने बड़े ही शॉर्टकट तरीके बना के देनी, पता तो इन्होंने लगता कोई नहीं पक्की कि इंज, तो बस फिर
क्यों अपनी जान हलकान करनी, मज़ा तो इन्हों पता लगता कोई नहीं जिदे तो दो घंटे लगन जी अद्धा घंटा ला के बनाई। इतने जी बनता पिया सैलड, वेखो कि वधिया रंग मेरी बेटी बना रही थी सैलड बना के रखा, और यहाँ पे दाल बन रही है। ईद वाला दिन तुसी परेशान हो गए तो हों की पिया। नमक मिर्च हल्दी सब कुछ सूट सटा के टमाटर प्याज डाल के हमने मूँगी की दाल को लगा दिया है प्रेशर, और इसको हमने रख दिया है हांडी के ऊपर। यहाँ पे मैं फिर करने लगी हूँ चिकन जो मैंने मैरिनेट की हुई थी उसको अवन में रखने लगी हूँ। और ये अभी यहाँ पर 2 बजे का टाइम है, 3:30 बजे सब ने आना है, तो मैंने 200 सेंटीग्रेड पर इसको रखा 1 घंटा। उसके बाद 80 सेंटीग्रेड के ऊपर ये आधा घंटा और पड़ी, और इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। दाल भी यहाँ हमारी तैयार हो गई और इसको हमने पासे किया। यहाँ मैंने रखे हुए थे आलू बैंगन। भाई ये ना मेरी सिस्टर के आ रहे हैं हस्बैंड, अमीहलेमा का किचन के हस्बैंड आ रहे हैं, और वो फ़िश और वेजिटेबल्स ही खाते हैं। और ये देखें यहाँ पे मेहमान भी आ चुके थे, फ़िश और वेजिटेबल्स ही खाते हैं, और मैं फिर वही जो है वो उनके लिए बना रही थी। तो बस जी ये मैं भी तैयार शहर होकर फिर आ गई, तो मेरी बेटी कहती मामा आपके लिए एक सरप्राइज़ है, मैं कह अच्छा चलो वो खाओ की है। फिर ये है जी हमारा ईद का आउटफिट, और आउटफिट ही होता है ना, हाँ आउटफिट है। और ये देखें ये मेरी बेटी ने मुझे दिया है गिफ्ट, सबको ईद मुबारक। तो ये मेरे लिए गिफ्ट, सो प्रिटी ब्यूटीफुल, देखो इसके साथ मैचिंग है ना, पर ये इसके ऊपर फिर वो टू मच हो जाना है, मैचिंग है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, पहनूंगी किसी दिन, देखें ब्यूटीफुल है। ये देखें जी ये ईद ते आलू बैंगन खाओ ते जान बना। लो जी सब मेहमान हमारे आ गए हैं, बस जल्दी से आलू बैंगन भी हमारे तैयार हो गए, आलू बैंगन रेडी ने, बड़े ही वधिया पके थे, बड़े जबरदस्त पके हैं, आपको अभी दिखाती हूँ कितने शानदार आलू बैंगन पके हैं हमारे। ये जी गरम मसाला खलारा पिया, जो गरम मसाला डालने लगी हूँ आलू बैंगनों के ऊपर, और मतलब किंज वहाँ मसाला थोड़ा सा डाला, और बस मैंने दाल को भी तड़का लगाना है, दाल को तड़का लग जाए जगह या चीज़ा डिगड़िया ने सिर दे उत्ते, आए हाय थोड़ी सी कसूरी मेथी बस जी, भांडी साड़ी बड़ी वधिया पक्की जाए। और यहाँ से उठाएं बर्तन, भांडे तो क्या सत्यानाश हो गया है, मैं क्या बस असी चूल्हे पे कुर्बान हो जाना हमने हो जाना चूल्हे पे कुर्बान, तेल दी तड़का ला दा, वैसे तो मक्खन का वधिया, मतलब मक्खन ले के आते, हाय हाय मक्खन लैन गई सब, ओहो मक्खन तो भूल ही गई, मिल गया बटर, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया छुरी, ये है जी छुरी। चलो अब हम इसको तड़का लगाएंगे और हम पकाएंगे इसको, आपको दिखाएंगे। बस खाली प्याज और जीरे का तड़का लगना है क्योंकि ये खाली मूंगी की दाल है, और बस इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, जीरा बड़ा जबरदस्त इसको देगा टेस्ट। ये मैं कढ़ाई में मैंने जो लैम का जो है ना ये मैंने गला के रखा हुआ है, इसके साथ मैं अब कढ़ाई में इसको भूनूंगी, कढ़ाई चुपा के गोश्त नू, क्योंकि इसको मैंने भून के अच्छा सा कढ़ाई में ही सर्व करना है इसको। इधर साडा बनता पिया जो तड़का, यहाँ पे दाल की आप थोड़ी सी हल्की करेंगे हम, और ये बटर चिकन भी हमारी रेडी थी, इसको मैं इधर रखूंगी, ले जी कढ़ाई भी चलेगी उत्तर, चलो जी काम हो गया सौखा। किचन में ना साथ साथ मेस बहुत पड़ जाता है, तो मैं अद्धा अद्धा काम रेडी किया सी क्योंकि मुझे फिर लगता है कि मेस जो है वो ज्यादा पड़ेगा। इसमें अभी दही जाना है, एंड पे मैं देखूंगी अगर क्रीम है तो थोड़ी सी क्रीम भी डालेंगे ऐसा डा। हाँ सच मैंने फिश भी बनाई हुई है, फिश भी गर्म करनी है। तो ये बेसिकली जो वेजिटेरियन मैंने खाना बनाया है ये मेरे बहनोई के लिए, एडे चंगे बहनोई लाभ ने किधर जेडे तुहानू ना कोई फरमाइशा करन ना कहन पुलाव बनाओ बिरयानी बनाओ रोस्ट बनाओ, सिंपल सादा खाना, सिंपल लोग हैं भाई, अल्लाह को राजी करते हैं। ऐड करूंगी। लो जी दाल का तड़का जिहड़ा सी ओह तैयार हो गया सी, ते दूसरे पासे साड़ी
लैम कढ़ाई जड़ी है वह भी तड़फती पई सी कढ़ाई दे विच। तो मैं क्या पहला मैं जरा दाल वैसे बड़ी वधिया बनी दाल बना लूँ फिर मैं जो है ना अपना कढ़ाई इसको मैं देखूँगी। इसमें मैंने दही डाला और इसको अच्छी तरह से भुना है। थोड़ी ग्रेवी वाली बनाई सी उत्ते मैं ये पाया है सुखी मेथी क्रश चिलीज कालिया मिर्चा और होर की सी हाँ बस यही चीज़ा पाइया गर्म मसाला। फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया हरिया मिर्चा लंबी लंबी कटी हुई अदरक धनिया सोहनी जी असी अपनी कढ़ाई तैयार कर ली। यहाँ पे जी मैं नान काट रही हूँ रेडी कि इनको ओवन में हम रखेंगे अभी। ये मैं अभी डिशेस में निकालने लगी हूँ वैसे तो हांडियों में रहने दूँ गर्म रहेगा। जबरदस्त बना रोस्ट देखें तो मैं अभी डिश आउट करती हूँ। चिमटा पता नहीं कितने वे सो सॉफ्ट रोस्ट बहुत ही जबरदस्त बना बहुत ही सॉफ्ट बना रोस्ट सारा टूट रहा है। चले जी ये देखें बस नान नहीं हो जाते इसमें है जो आपकी ही ना जी ने बनाई है बिरयानी लैम बिरयानी ये देखेंगे सैलड भी आ गया बड़ी मजे की जबरदस्त वाली ईद हमारी देखो बाजी भी कुछ कर रही है इनको आप कहने दो हम खाना खाएंगे हाँ जी ये बताएं सॉल्ट की क्वांटिटी किसमें ज्यादा है ज्यादा है हाँ। सॉल्ट नहीं हल्का ही खाना पड़ेगा अब खाना
रोस्ट बड़ा नाइस बना है, रोस्ट मेरी प्लेट में देखें। चम्मच खाना सारिया ने खा लिया तो मैं फटाफट आई किचन च। मैं क्या ईद वाला दिन कोई मिलन आ जाता है, फिर लोगों को शौक होंगे कि असी घर भी वेखिए। तो किचन च तो इंज से जिमें कि हीरोशिमा का बंब इतने डिग्गिया। मैं क्या फटाफट मैं ना हूँ किचन साफ करा। मैं तुम्हें अगे क्या तैयार श्यार हो के ईद वाले दिन जो ना असी कि जाना अ चुले तो कुरबान हो जाना, भांड्या कुरबान हो जाना। बस साड़ी कुरबानी किचन च हो किचन च ही हो जाती है। तो बस मैं कहनी हाँ भी एक टैलेंट होंगे बंदे नू के शक्ल भी सीधी रखनी। वेख लो किन्ने काम करने पैंदे ने, तैयार श्यार हो के सारा कुछ है। मौज ते बंदियां दी आराम ना बैठे खादा पीता सो गए, बुढ़िया बेचारियां मर जान काम कर करके है। बुढ़िया बेचारियां मर जान फिर सही भी लगन, वधिया जिया तैयार भी होई हो। ਉਧਰੋਂ ਕੱਪ ਲਾਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਈ ਹੈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਦੋਸਤ ਅੱਛਾ अच्छा 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 थैंक यू बेनजीर। हाँ हवा बड़ी अच्छी आ रही इधर से। अच्छा हाँ काम तो सबका एक ही होना चाहिए। हाँ 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 देखो ये है लाइट का बस। हमने जी बेनजीर के फोन पे देख लिया हमने कुछ सेटिंग। हाँ तो ये जी बेनजीर है, ये हमारी मुझे कितने साल हो गए बेनजीर? 13 साल हो गए ना। हाँ शोर बड़ा है तो बोलने नहीं पता नहीं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को कलेजी की अच्छा रूह तड़प रही होती कलेजी की। अच्छा अच्छा देखो जरा चलो ठीक है चलो। हाँ 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 ठीक है ठीक है। ईद भी लोग की हाँ हाँ गला खराब है मुझे बुखार हो रहा है तक ना हो जाए बंद करो ये सबका सबका ले आओ चमचियां कितने ने मैंने उनका नाम चमचियां कड्डो बच्चों को दो एक दो ये लो से लिंक को नहीं किसी ने बताया अपनी दूसरी सीढ़ी मेरे बाप में शक्ल ना केशर हो गया काम कर करके ईद मना काटी काट तुसी ने ईद बनाई है बांदे तो बड़े तो सफाइयां कर खाने पका लो जी ईद मुबारक सारे ये लो भाई कौन मेरे पीछे यानी ये लो
चलो जी दाल ले जाओ। ये देखिए दाल पतीला उठा के भी मैं ही लाइक कर दी, गला मेरा बंद हो जाना। ये देखिए मैंने मेरा रखा है गिफ्ट, वो जुमैना ने जो दिया है। ये इसका पार्ट जो कब चला, जिस अंदर लो लेट गया थोड़ा लेट गया मेरा कुत्ता। बाय बाय, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह 46 से 5 बजे आना है। ठीक ठीक ठीक। हां नाइस है मौसम। बाय दिला।